हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो जीटेन क्लासेस के अंदर रोलेस थ्योरम कवर करने के बाद, मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 में रोलेस थ्योरम कवर करने के बाद आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज पार्ट टू ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स, जिसका नाम है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे कि हम लोग रोलेस थ्योरम को कवर कर चुके हैं, वैसे ही ये दूसरी थ्योरम है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सेम तरह की थ्योरम है, बस ये वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे कुछ और चीज है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स जो कि कंटिन्यूअस है। मतलब पहले थ्योरम देख लेते हैं। चलिए, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। ए कॉमा बी पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड है, जहां पे वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो बोलते क्या है कि ए और बी के बीच में एक सी वैल्यू लाई करेगी, जहां पे अगर आपने डिफरेंशिएट किया है, एफ डैश सी निकाला है, तो वो एफ बी माइनस ए अब एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगा। याद करने वाली बात है, लेट दिस बी द फंक्शन, ये ए और बी के बीच में डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है। हमने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ए कॉमा एफ ए। वहां पे क्या था कि एफ ए एफ बी के बराबर था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि सी पॉइंट लाया करेगा, सी मतलब एक्स की वैल्यू सी है, जहां पे एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। कोई बात नहीं, एफ डैश सी मतलब क्या हुआ कि आपको स्लोप निकालना है 8 पॉइंट सी। आपने स्लोप बनाया है, मतलब मान लीजिए टैंजेंट बनाया, ठीक है, ये जो भी एंगल बना रहा था वो कुछ यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाएगा जितना वहां बना रहा होगा। टैंजेंट और लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है, जो ए बी का स्लोप होगा वही टैंजेंट का स्लोप होगा। टैंजेंट का स्लोप हमें निकालना है एफ डैश सी होगा, ए बी का स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, काम खत्म। तो ये है हमारा एफ डैश सी। तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं थी, वही करेंगे हम लोग जैसे रोलेस थ्योरम में किया था कि दो क्वेश्चन लेते हैं, दो तीन, दो आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करके ये एलएनवीटी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी को यूज करना है। सेम तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको वेरीफाई करना रहेगा या तो आपको सी की वैल्यू निकालना रहेगा। फाइन, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको चीजें खुद ही से क्लियर हो जाएंगी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात होगी और आपके एग्जाम्स में मतलब मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने कि एक एफ एक्स फंक्शन है, एक्स इंटू एक्स माइनस टू डिफाइंड ऑन द इंटरवल 1, 3। ठीक, ए पता है, बी पता है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब सी निकालना है, पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, मतलब 2x-2। ठीक है, रखे रहते हैं, काम क्या क्या है, एफ बी एफ ए बी काम है। ठीक है, एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, मतलब बी पे 3 की वैल्यू पे ना 3 आएगा, और एफ ऑफ ए क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 1 × 1 − 2 दैट इज -1 आएगा। अब आपको क्या करना है, एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी विल बी 2c − 2 विच विल बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, मतलब 3 + 1 अपॉन में बी माइनस ए, 3 − 1, 4/2, मतलब 2 हो गया ये, 2c = 4, c = 2। तो इन्होंने क्या बोला था कि सी एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि ए कॉमा बी इंटरवल पे ही लाई करेगी, और वहां पे आपका एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो अगर आपको ये बोला जाए कि लग्रांजेस थ्योरम वेरीफाई करो या सी की वैल्यू निकालो, तो आप लोग दोनों चीजें कर सकते हैं। फाइन, तो ये था एलएमवीटी का एक एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं तो शायद ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लिया था ना, इस बार थोड़ा सा लॉगरिदमिक पे चलते हैं। मान लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो आपका लॉग एट बेस ई एक्स दिया है। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरवल भी ले लीजिए, एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल 1/2। लॉग का ग्राफ आपको याद ही होगा, कंटिन्यूअस होता ही है, डिफरेंशिएबल होता ही है, कोई भी रेंज भी हो डजेंट मैटर, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक, एफ डैश सी एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x होगा, एफ डैश सी 1/c, एफ ऑफ बी लॉग एट बेस ई 2, एफ ऑफ ए लॉग एट बेस ई
वन, जो कि क्या होता है हमारा जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश सी क्या होता है हमारा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, उठा के वैल्यू रखना है, कुछ करना नहीं है। वन अपॉन सी क्या आ गया आपका, लॉग एट बेस ई टू, माइनस जीरो अपॉन टू माइनस वन वन। अब बात आती है कि यहाँ अब क्या किया जाए। अब हम लोग ये कर सकते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, वन अपॉन सी को ये लिख सकते हैं लॉग एट बेस टू ई। प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, बेस चेंज इन फॉर्मूला, ठीक है, बेस और जिसका भी हमें लॉग निकालना है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो कुछ ये आ गया, यहां से कंक्लूड किया गया जा सकता है कि सी इज इक्वल टू लॉग एट बेस टू ई। अब बारी आती है कि आपको निकालना है सी क्या होगा, सी ही तो निकालना है ना, कि क्या सी जो है वो वन और टू के बीच में लाई करेगा। तो देखते हैं, चलिए आपको पता है कि ई की वैल्यू टू से फोर के बीच में वैरी करती है ना, तो ई की वैल्यू जो है वो टू से लेके फोर तक वैरी करती है। दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग एट बेस टू ले लेते हैं, लॉग एट बेस टू ई, लॉग एट बेस टू टू, लॉग एट बेस टू टू, ठीक, लॉग एट बेस टू ई, सॉरी ये फोर है, फोर को हम लोग टू की पार्ट टू लिख लेते हैं, सिंपल, ये टू बाहर आ जाएगा, लॉग एट बेस टू टू वन हो जाएगा, बेस और ये जिसकी जिसका भी हमें लॉग निकालना, अगर वो बराबर होता है तो ये वन हो जाएगा। ये क्या था, ये सी था, सी की वैल्यू टू से लेके वन तक में लाई करेगी। यही हमें प्रूफ करना था दो, कि क्या लॉग एक्स जो है वो एलएमवीपी को वेरीफाई करता है, या सी की वैल्यू निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो ये मेथड हो गया कि सी की वैल्यू वन से टू के बीच में लाई करेगी। हमने ये प्रूफ कर दिया, तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स था 1,2 इंटरवल पे, ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। कुछ नहीं रखा है इस चैप्टर में, चार क्वेश्चन रॉलेस थ्योरम का करिए और चार क्वेश्चन इसका कीजिए, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या नीचे मेंशन वेबसाइट पे हमारा वो है, क्वेरी बॉक्स है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, डाउट्स तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। अब इस चैप्टर के बाद जब हम लोग नए चैप्टर पे मूव करेंगे, जो आगे के तीन चैप्टर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, ये सब के आने की चांसेस काफी कम रहती है, बट जो आगे वाले चैप्टर्स हैं वो ज्यादा आने की चांसेस रहती हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आएगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एन्जॉय योर डे।